हरिओम, मैं सुजीत सिंह मोहन। मैं ट्रेंड हाइपरमार्केट लिमिटेड में एज अ लीगल रिटेनर कार्यरत हूँ। बापू के पहली बार दर्शन मुझे सन 2000 में हुए। उसके बाद इस 15 साल के दौरान मुझे बापू के काफ़ी अनुभव आए। उसमें से ही एक अनुभव मैं आपको बताना चाहता हूँ। सन 2014 की बात है, गणपति उत्सव था। गणपति उत्सव के दूसरे दिन मैं बापू के घर गणपति के दर्शन से घर से बाइक पे निकला। बापू की उदी लगाई, बापू का नाम स्मरण किया और घर से निकल पड़ा। सायन से कलानगर होके मुझे बांद्रा जाना था। सायन गया, कलानगर गया और कलानगर से मैंने लेफ्ट लिया टू बांद्रा वेस्ट जाने के लिए। तभी ये जो वेस्ट जाने के लिए हाईवे, ये काफ़ी चौड़ा हाईवे है, जिसमें से एक लेफ्ट वाली जो लेन है वो माहिम की तरफ जाती है। सेंटर वाली जो लेन है वो बांद्रा रिक्लेमेशन का ब्रिज को होके टूवर्ड्स बांद्रा वेस्ट जाती है, और जो राइट की लेन है वो वर्ली सीलिंग के ओर जाती है। तो मैंने लेफ्ट लिया और बाइक सेंटर में रखी, क्योंकि मुझे बांद्रा वेस्ट जाना था और ब्रिज चढ़ना था। तो बाइक सेंटर में थी, वहाँ पे स्पीड मेरे बाइक का लगभग 40-50 का स्पीड रहा होगा, क्योंकि उतना मिनिमम स्पीड मुझे वहाँ पे रखना ही है, क्योंकि वो हाईवे काफ़ी चौड़ा है। और इस इतने स्पीड में मैं जा रहा था और मैंने देखा कि मेरी राइट ओर से एक लाल कार मेरी तरफ आ रही है। उतने एक सेकंड में मुझे विचार आया कि ना, मैं अभी ब्रेक दबाऊँ तो मुझे पीछे की गाड़ियाँ डैश कर देगी, और राइट जाऊँ तो पीछे से काफ़ी गाड़ियाँ तेज़ी से आ रही है, ना मैं राइट जा सकता था। तो इतना सब सोचने के दौरान मुझे वो कार ने डैश कर दिया। कार ने डैश किया, मेरी बाइक आगे निकल के स्किट होके चली गई और मैं भी रोल होते हुए जा रहा था। हेलमेट पहना हुआ था, हेलमेट लॉक नहीं था, बट बापू की कृपा से वो हेलमेट भी मेरे सर से नहीं निकला। बस मुझे सिर्फ पीछे से आने वाली इतनी जो गाड़ियाँ थी, हेवी ट्रैफिक वहाँ पे बहुत स्पीड पे रहता है, वो हेवी ट्रैफिक का ज़ोरों से ब्रेक लगने की मुझे आवाज़ें सुनाई दे रही थी और उनके टायर घिसने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी ड्रैग होते हुए। मैं रोल होते जा रहा था ना, आके सड़क के किनारे पे मैं टकरा गया। वहाँ पे 3-4 बाइक वाले रुके, उन्होंने मुझे उठाया, मुझे पूछा, देखा कि सब चप्पल कहीं पे उड़ चुकी थी, मेरी चश्मा कहाँ गया, अभी तक कुछ पता नहीं, वो सब चला गया। फिर कई किसी वो आपको इससे पता चलेगा कि जो चप्पल मेरी उड़े हुए थे वो लोगों को वो हाईवे से निकलने के लिए करीबन 5 से 6 मिनट चले गए, क्योंकि गाड़ियाँ उतनी तेज़ी से आती रहती है उस रास्तों पर। और 3-4 बाइक वालों ने मुझे उठाया वहाँ से कि कहा, बाबा तू अभी कैसे, पूरा हाथ पैर पे मेरे पूरे ज़ख्म हो चुके थे, खून बह रहा था और कपड़े तो पूरी तरह से मेरे फट चुके थे, घिसे हुआ था, क्योंकि मैं घिसता हुआ इतना दूर तक चला गया था कि कपड़े के पूरे छलनी जैसे हो गए थे, पाउडर हो गई थी वो कपड़ों की, इतना वो घिसते हुए मैं चला गया था। फिर बापू की कृपा से मुझे बापू का नाम स्मरण चालू ही था, ना मुझे चक्कर आई तभी, उस वक्त कुछ ठीक से मैं अपने पैरों पर सही सलामत खड़ा था। फिर मेरा देखा तो मैंने फ़ोन देखा, मेरा बाबा मेरा फ़ोन सही सलामत है, तो मैंने सोचा कि मैं मम्मी को मेरे फ़ोन करके एटलीस्ट बता देता हूँ कि मुझे लगा है ऐसा और मैं फिर से घर आ रहा हूँ करके। मम्मी को फ़ोन किया मैंने, मम्मी को कहा, मम्मी ऐसा ऐसा एक्सीडेंट हुआ। ज़्यादा मैंने डिटेल में उनको कुछ नहीं बताया, क्योंकि वो एक लौता और एक कारण वो ऑलरेडी ओवर प्रोटेक्टिव है मेरे लिए, और बताऊँगा उसको ज़्यादा डिटेल में तो और डर जाएगी करके। उस दिन मेरी माँ को भी बापू ने धैर्य दिया था, वो बोली ठीक है आ जा करके, एकदम नॉर्मल रिएक्शन था उसका। फिर मैं बाइक लेके ही वो देखी, बाबा बाइक सही सलामत है, और बाइक से वापस चेंबूर के लिए निकल पड़ा। वैसे तो ज़्यादा दूर का अंतर नहीं है बांद्रा और चेंबूर में, लगभग 10-12 किलोमीटर का अंतर होगा जिस जगह मेरा एक्सीडेंट हुआ था, वहाँ से निकल पड़ा मैं। बट वो अंतर 10 किलोमीटर का कि भी लगभग मेरे को 100 किलोमीटर का लग रहा था, और वो दूरी भी इतनी दूर की लग रही थी, क्योंकि परिस्थिति ऐसी थी, दोनों हाथ पैरों पर लगा हुआ था बुरी तरह से। और फिर बाइक लेके मैं निकल पड़ा, घर पहुंचा लगभग 11 बजे मैं घर पहुंचा, ऊपर गया फर्स्ट फ्लोर पर, चलने भी नहीं हो रहा था, फर्स्ट फ्लोर पे मेरा घर है। फिर मम्मी ने देखा कि तभी मम्मी को अंदाज़ आया, डैडी को पता चला कि बाबा एक्सीडेंट बहुत बड़ा था, क्योंकि मेरे कपड़ों की हालत और ज़ख्म देख के उनको पता चल गया कि एक्सीडेंट बहुत बड़ा हुआ था।
फिर मैंने मम्मी को डिटेल में बताया। मम्मी ने मेरी मम्मी डॉक्टर होने के कारण उन्होंने ड्रेसिंग क्लीन किया, ड्रेसिंग करवाई और कहा कि घर पे गणपति होता है, घर पे घर के गणपति की आरती करके बापू के घर दर्शन के लिए चलते हैं। मेरा भी अप्रोच एकदम नॉर्मल था, इतना लगा था हाँ बाबा बापू के पास जाना है करके। फिर भी उसी रास्ते से मुझे फिर से बांद्रा जाना था। थोड़ा सा डर था, काफ़ी दर्द हो रहा था, हाथों पे पैरों पे लगा हुआ था। फिर हमने खाना खाया और बापू के घर दर्शन के लिए, गणपति दर्शन के लिए निकले। उसी रास्ते से बापू के घर पहुँचे, गुरुक्षेत्र में गेट पे समीर दादा मिले। समीर दादा को मैंने कहा कि दादा ऐसा ऐसा एक्सीडेंट हुआ है। दादा ने कहा कि कुछ बड़ा होने वाला था, बस छोटे में निपट गया। मैंने भी दादा के शब्द सुन के मुझे भी काफ़ी धैर्य आया। टीवी पे जो टीवी लगा रहता है वहाँ पे देखा मैंने कि गणपति के दर्शन है, नंदाई है और सुचित दादा दर्शन दे रहे हैं। काफ़ी आनंद हुआ, एटलीस्ट नंदाई और दादा तो मिलेंगे मुझे। बचपन से यही बापू है, परिवार में बड़ा हुआ तो मुझे नंदाई बापू दादा सब उतना ही भरोसा है मुझे। तो ऊपर गया मैं, लिफ्ट से देखता हूँ तो ना दादा है, ना नंदाई है, ना बापू है। तो अभी मुझे लगा बाबा मुझे तो बापू को मिलना ही है और बापू के दर्शन तो करने थे, इतना एक्सीडेंट हुआ है, दर्द हो रहा है, मुझे उनको बताना है करके। तो जैसे अंदर गया, बापू के जो घर का दरवाज़ा है उनसे अंदर गया तो अंदर के रूम से बापू आए और सोफे पे विराजमान हो गए। मुझे काफ़ी आनंदित हो गया, मेरा दिल भर आया था तभी। बापू के साथ गणपति का दर्शन लिया, बापू के सामने पहुंचा। बापू को फिर मम्मी पता नहीं बापू को बोल पड़ी कि बापू सनी का एक्सीडेंट हो गया है, मुझे घर पे सनी से नाम से बुलाते हैं, कि इसका एक्सीडेंट हो गया है और आपकी कृपा से बचा हुआ है और अंबद ने है करके। बापू ने ऐसी बड़ी नज़र की, कहा इत्तु सा है और ऐसे कर दिया और अच्छी सी स्माइल दी और मेरा दिल भर आया था। मैं तो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था उस वक्त। तो मैं निकला, मैंने नीचे आया, बापू को कहा देख, मम्मी को कहा मैंने कि मम्मी मैंने देख, मैंने कहा था ना तुझे कि बापू तो पक्का मिलेंगे और बापू को हम बताएंगे करके कि एक्सीडेंट के बारे में। हम बहुत खुशी खुशी, वो इतने इतने मुझे दर्द हो रहा था वो जख्म, तभी भी उस कठिन परिस्थिति में भी ये बहुत सुखद समय मेरे लाइफ में था कि दर्द हो रहा है बट बापू के दर्शन हुए, उससे वो मुझे मेरे दर्द का पता ही नहीं चल रहा था। फिर शाम को हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ऑर्थोपेडिक सर्जन को बताया कि ऐसा ऐसा है बाबा, कहीं फ्रैक्चर है कि नहीं है। तो उन्होंने भी तीन चार एक्सरे निकालने को कहा। मैं एक्सरे वैसे जैसे डॉक्टर ने कहा था एक्सरे निकाले, एक्सरे में भी कहीं पे कुछ फ्रैक्चर नहीं था, इतना बड़ा एक्सीडेंट होके भी। जॉब भी तभी नया नया था, वो उसका भी टेंशन था कि जॉब पे भी जाना है और इतने जख्म हैं, कैसे सब ठीक हो जाएगा इतने दिन में। बट सच कहता हूँ इतने गहरे जख्म थे, करीबन मैं कहता हूँ ना एक हफ्ता या मैक्सिमम 10 दिन में सब भर चुके थे। सिर्फ मेरे पैर की जख्म, जो एंकल जॉइंट पे जो जख्म थी वो भर नहीं रही थी, वो पैर सूजा हुआ था और पूरी तरह से लाल हो चुका था वो पैर सूज के। तो फिर वापस ऑर्थोपेडिक सर्जन को कंसल्ट किया, बट डॉक्टर ऑर्थोपेडिक सर्जन ने कहा मे बी एक दो हेयरलाइन फ्रैक्चर हो सकता है इसलिए इतनी सूजन है, बट प्लास्टर करने की ज़रूरत नहीं है, आप क्रेप बैंडेज यूज़ करो वो ठीक हो जाएगा। फिर हम सुचित दादा को मिलने गए थे। उसके बाद सुचित दादा को बताया कि ऐसा ऐसा हुआ दादा और बस बापू की कृपा से बच गया। और फिर दादा ने भी तभी वही कहा जो समीर दादा ने कहा था कि कुछ बड़ा होने वाला था, छोटे पे निपट गया करके। तो ऐसे भी वो बापू ने इशारा कर दिया था, इत्तु सा था, मैंने तुझे इतने पे बचा लिया है करके। तो फिर ऐसे दादा ने फिर 10-15 सेकंड तक मेरे सर पे हाथ रखा और बस वो तभी जो तभी डर तो नहीं सा हो गया था लगभग। फिर मम्मी ऑलरेडी इतनी केयरिंग है मेरे तरफ, फिर मम्मी ने दादा को पूछा कि दादा इसको बाइक चलाने देनी है कि नहीं अभी। दादा ने कहा हो नक्की दयाची म्हणजे काय घाबरायचं नाही, बिल्कुल एकदम आरामात चालवायची, यानी डरने का नहीं, आराम से बाइक चलाने का, बिंदास रहने का। तो तब से मैं बाइक भी चलाता हूँ। फिर अगले महीने 17 सितंबर का दिन था, गुरुवार था, बापू के दर्शन के लिए गुरुवार को गया था मैं। हादसे के बाद वो फर्स्ट टाइम ही बापू गुरुवार को प्रवचन के लिए आया था। प्रवचन हुआ, आरती हुई, काफ़ी मन प्रसन्न हुआ।
वैसे बापू को इतने वो हादसे के बाद जब भी बापू को देखता था दिल भर आता था, वही याद आता था कि बापू ने मुझे कैसे बचाया। जख्म भी इतने फास्ट भरा है बापू का नाम स्मरण कि मुझे भी विश्वास नहीं था कि इतने जल्दी ये जख्म भर सकते हैं करके। आज जो हूँ जैसा भी हूँ बस मैंने बापू की कृपा से हूँ। उस दिन कुछ भी हो सकता था, मेरे सर से हेलमेट निकल सकता था और मैं आज आपके सामने, मे भी अनुभव आपको ये बताने के लिए भी नहीं रह सकता था। उसने मुझे कार ने राइट साइड से टोकर मारी थी ना, मैं लेफ्ट साइड से किसी गाड़ी के पहियों में आया ना कि मुझे इतनी स्पीड से पीछे से गाड़ी आ रही थी 100 120 के स्पीड से, ना उसने किसी ने उड़ाया, सबके ब्रेक लग चुके थे। इसमें से कुछ भी नहीं हुआ, बस मैं सही सलामत उस छोटे से इतने बड़े हादसे से एकदम इजीली बाहर निकल के आ गया। ये सब बापू के वजह से, बापू की जो घर से निकलते वक्त उदी लगाता हूँ, बापू का नाम स्मरण हमेशा मन में चालू रहता है। बचपन से यही संस्कार हुए हैं मेरे पे कि भगवान का नाम लो। बस अब मुझे किसी बात का डर नहीं है क्योंकि बापू ने मेरा हाथ थामा है। वैसे बापू ने कहा ही है कि मैं तुला कदीच टाकणार नहीं करूँ। बस यही इच्छा है कि बापू नंदाई दादा के चरणों में हमेशा रहूँ इस जीवन में, और जितने भी जन्म ले सिर्फ बापू के पास रहूँ। हरिओम श्री राम अम्बद ने।